साउथ दिल्ली का मोहम्मदपुर गांव जो आरकेपुरम और बिकाजी कामा प्लेस के बीच बसा हुआ है। यहां मुगल काल की कई मुगलाई स्मारक बने हुए हैं। मुगल काल से ही इस गांव का नाम मोहम्मदपुर है। यहां के बुजुर्गों का कहना है कि मुगल शासक जब यहां राज कर रहे थे तो उसी समय अपने हिसाब से नाम रख लिया था, लेकिन लोगों का कहना है कि जब मुगलों के ज़माने के सड़कों के नाम बदल गए हैं तो इस गांव के नाम भी बदल कर माधवपुरम रखना चाहते हैं, जिसके लिए गांव के लोगों ने स्थानीय पार्षद भगत सिंह टोकस को मोहम्मदपुर गांव के नाम को माधवपुरम करवाने के लिए कहा, जिसके लिए आज साउथ एमसीडी की बोर्ड कमेटी में के मीटिंग निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। साउथ एमसीडी जोन चेयरमैन सुभाष बड़ाना ने इस प्रस्ताव को पास कर आगे की कमेटी में भेज दिया। आप अपना नाम बताएं। भगत सिंह टोकस, निगम पार्षद मुनीर कवाड़। भगत जी, आज जो एमसीडी की मीटिंग थी क्या थी? देखिए, आज जो मीटिंग थी उसके अंदर मैंने जो है मोहम्मदपुर गांव का बदलने के लिए माधवपुरम नाम जो है आज प्रस्ताव मैंने रखा था वार्ड कमेटी के अंदर, और उसके अंदर सभी हमारे निगम पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, सभी की सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव हमारे जोन के चेयरमैन आदरणीय सुभाष भड़ाना जी के अध्यक्षता में आज वो प्रस्ताव पास हो गया है। इसके बाद जो है ये नेमिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी और फिर हाउस में जाएगा, और निश्चित रूप से जो है कई वर्षों से जो है गाँव के लोगों की ये इच्छा थी कि जब मुगलों ने जब इस देश पर राज किया तो दिल्ली के गांव नहीं, पूरे देश के गाँव का, शहरों का उन्होंने नाम अपने हिसाब से रखे। तो अब क्योंकि लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का हमारा अपना इतिहास है, तो माधवपुरम नया नाम जो है आने वाले दिनों में मोहम्मदपुर गांव का रखा जाएगा। क्या वजह क्या है मोहम्मदपुर नाम रखने का? देखिए मोहम्मदपुर जो है ये मुगलों ने रखा था, माधवपुरम जो है अब यहाँ के लोगों की इच्छा है। कितनी आबादी होगी लगभग और किस धर्म के लोग यहाँ ज्यादा हैं? देखिए हमारे जो गांव है इसके अंदर लगभग 97% जो है हिंदू समाज के लोग हैं, और ये पुश्तैनी गांव है, मोहम्मदपुर है, मुनीर का है ये, और आप सात वाला गांव देखिए उसका नाम भी हिमायतपुर है, आप चले जाइए मसूदपुर है, बेड़सराय है, जीएसराय, ये सब मुगलों ने नाम रखे हुए हैं। तो हम जो है आने वाले दिनों में अपने जो बच्चे हैं उनको क्या मुगल काल ही पढ़ाते रहेंगे? जो हमारे 5 वर्षों की जो संस्कृति रही है भारत की, क्या उससे अवगत नहीं कराएंगे? आपने जो ये पहल की है गांव का नाम चेंज करने के लिए, ग्रामवासियों से किस तरीके का सहयोग होगा? पूरे सब ग्रामवासी जो हैं बहुत खुश होंगे जिस समय इसका नाम जो है सरकारी तौर पर बदला जाएगा, क्योंकि सब गांव के लोग जो हैं वो उनकी इच्छा है कि मोहम्मदपुर से जो है गाँव का नाम बदला जाए। ठीक।